हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट दो वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। आई फील कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स नहीं है, तभी मेरे पास कमेंट्स में कोई डाउट्स वाली चीजें आई नहीं है। सो आई वॉन्ट टू मूव विद दिस टॉपिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बिकॉज इट्स क्लास 12, यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स। सो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए, तगड़े तरह से पकड़िए, हर चीजों को निचोड़ के एकदम अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए। सो टूडेज टॉपिक इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन करना है, सो व्हाट डू यू फील, क्या होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन के लिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिकॉम्बिनेशन? या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आएगा? वेरिएशन कैन बी डन बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम और भी और अच्छी तरीके से समझेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना? तो अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना इज नॉट पॉसिबल, है ना? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होगा? मिक्सिंग ऑफ डीएनए कब होगा? मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम कब होगा? जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दो डिफरेंट पेरेंट अगर इन्वॉल्व नहीं है, सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कैनॉट बी हैपन। द थिंग इज लाइक दिस, ठीक है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता कैसे है, चलो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द थिंग विच इज नोन एज डिस्टेंस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है तुम्हारा, वो हमारा पैक्टाइटिनी स्टेज में ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब होता कहाँ है? पैकाइटिनी स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। कौन से स्टेज में होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इट्स पैकाइटिनी स्टेज। डन, ठीक है, ओके। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज मोर, समझो दो जीन है और उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? सो रिकॉम्बिनेशन जो होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अगर तुमसे कुछ कोई पूछे, सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। ठीक है, तो क्या समझ आया? मैंने बोला फर्स्ट थिंग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो वेरिएशन लाता है। वेरिएशन कैसे लाता है? अगेन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से लाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं, इसलिए उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। नाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कौन से स्टेज में होता है? पैकाइटिनी स्टेज में होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज मोर, अगर डिस्टेंस मोर हुआ तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं। डन, अगर कोई पूछे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। ठीक है, कितने रिकॉम्बिनेंट हुए, टोटल नंबर ऑफ प्रो
प्रोजेनी में दैट मल्टीप्लाई बाय 100 इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो नोट कर लीजिए। शैल वी मूव फर्दर। ओके, सो प्रोकैरियोट में अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है सो द डिस्टेंस प्रोकैरियोट्स में अगर हम कुछ जीन्स का डिस्टेंस लिख रहे हैं दैट इज इन सेंटीमॉर्गन। किस में लिखेंगे? सेंटीमॉर्गन। और अगर यूकैरियोट में जीन्स का डिस्टेंस लिख रहे हैं तो वी विल राइट इन मैप यूनिट। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन में मैप यूनिट अवेलेबल हो तो आप समझना दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ यूकैरियोट। और जहां पे क्वेश्चन में अगर आपको प्रोकैरियोट का सेंटीमॉर्गन दिया हुआ है तो यू कुड अंडरस्टैंड इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑफ अ प्रोकैरियोट। ठीक है, इतना नोट हो गया तो शैल वी मूव फर्दर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो थोड़े समझ लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन है द डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस द फॉलोइंग। नाउ what you have to do, first you have to comment kariye mere channel pe ki what is the meaning of dihybrid cross, dihybrid cross ka matlab kya hota hai। I make you understand in the previous video dihybrid cross kya hota hai, to please mujhe comment box mein likh ke bataiye ki aap dihybrid cross se kya samajhte hain। So the question is the dihybrid cross produce the following, क्या है? ए ए बी बी दैट इज 240। ठीक है, ए ए बी बी सॉरी दिस इज कैपिटल बी। ठीक है, दिस इज 754। ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी 746, ए ए बी बी दैट इज 260। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द distance between two genes, दो genes के बीच में distance बताइए। Distance क्या है? What is the distance between two genes? ठीक है, so अगर तुमको याद होगा formula, तो formula मैंने frequency का formula क्या लिखाया था? Number of recombinant by total number of progeny into 100। तो frequency का recombinant frequency का formula क्या था? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। ये फॉर्मूला था। तो हमको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, तो दो जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो याद रखना यार, जो रिकॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो एकदम ऐसा नहीं होगा कि मम्मी पापा से एकदम अलग ही बच्चे चले गए। ठीक है, होगा थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इफ रिकॉम्बिनेशन इज देयर, बट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता। मतलब मम्मी पापा से एकदम तोप नहीं निकल जाओगे तुम लोग। ठीक है, द थिंग इज रिकॉम्बिनेशन सबसे कम होता है, तो सबसे कम अमाउंट कहाँ है? ये दोनों में। इसके अलावा दोनों कोई रिकॉम्बिनेंट जीन दिख नहीं रहा है, मतलब कम वैल्यू नहीं दिख रही है। कम वैल्यू नहीं दिख रही है मतलब 240 प्लस 260 इज द रिकॉम्बिनेशन, एंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन सबको एड कर लोगे तो एड करके आएगा 2000। ठीक है, एड कर लेना इन 200, फॉर्मूले में फिट कर दिया, दैट इज तुम्हारा 0045 बाय 2000। ठीक है, 1/4 इंटू 100, तो क्या होगा? 2 टू 4, 2 टू 2 5 10, 0 यानी कि
25%, तो 25% या 25 मैम यूनिट, ठीक है आप 25% नहीं लिखो ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मैंने बताया इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ यूकेरियोटिक सेल तो मैप यूनिट में क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल तो उसमें क्या होगा सेंटी मॉर्गन में यूनिट दिया होगा, यूनिट इज एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन, सो करना कैसे है मेथड यही है, ठीक है डन। और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये नोट हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ओके और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 30%, व्हाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60%, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है तुम बोल सकते हो, एंड द डिस्टेंस इज इन सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन देखते ही मुझे समझ आया जाना चाहिए कि दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट प्रोकैरियोट, तो क्या बोला है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 30%, है ना, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 30% का, व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 60% का, है ना, तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, कितना होगा 30%, यार मैंने बोला ना एकदम हलवा सा सवाल है, सो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 30%, डन क्लियर ओके। चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं, और एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, अरेंज द जीन्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन देम इफ, ठीक है एडी जो है दैट इज 70, एबी जो है दैट इज 30 एंड बीसी जो है दैट इज 15, ठीक है तो आपको अरेंज करना है जीन को अकॉर्डिंगली, तो क्या बोला है एडी जो है वो 70 है, मान लो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज डी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 70, ठीक है एबी जो है वो 30 है, ठीक है 30 कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि 70 का अगर हाफ करते हैं तो होना चाहिए 2 3 6 2 5 10, मतलब 35 होना चाहिए, मगर बोल क्या रहा है 30 है, तो बीच में बिल्कुल नहीं है, बीच से थोड़ा इधर ही है, तो ए बी इज 30, वेरी नाइस ए बी इज 30, ठीक है एंड बी सी इज 15, बी एंड सी इज 15, ओके बी एंड सी इज 15, ठीक है और पूछा है अकॉर्डिंगली सजाइए, ये सज गया, हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व, तो कितने आने चाहिए आंसर इज, अगर तुम्हारा सी और डी के बीच में डिस्टेंस पूछे तो 70 माइनस 30 प्लस 15 दैट इज 70 माइनस 45 दैट इज 25, तो ये हो गया 25, तो सजा लिया ना भाई हमने, बस यही बोला था सजा लिया हम लोग, हो गया क्वेश्चन सॉल्व डन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझ आया ओके चलो, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके
पेपर में फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. नाउ द रिकॉम्बिनेशन इज जनरली टू टाइप्स. ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्यों क्या क्या टाइप्स है. ओके, सो आई एम टेलिंग यू टू टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन. दो तरीके का रिकॉम्बिनेशन है. पहला रिकॉम्बिनेशन इज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. व्हाट इज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है देन वी कॉल इट नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रोमोसोम जो है आप लोगों ने क्लास 10 से पढ़ रखा है. तो द थिंग इज कि अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. अगर होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. एंड द थिंग इज कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ ज्यादा होगा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ज्यादा होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम में ज्यादा होगा? एक मिनट के लिए सोच के देखिए कहाँ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा. रिकॉम्बिनेशन वहां ज्यादा होगा जहां पे मतलब समझिए. चलिए मैं दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है और इसके बगल में एक क्रोमोसोम है. ठीक है, इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा कि यहाँ पे एक अलग से क्रोमोसोम पड़ा हुआ है इसके साथ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा. किसके साथ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स अगल बगल में बैठे हुए लोगों के साथ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है ना. चलो इसको मैं रेड बना देती हूँ तब आप अच्छे से समझोगे. ओके, सो आई एम मेकिंग इट रेड है ना. अगल बगल के लोगों के साथ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा ना भाई, है ना. मगर इतना भी कम स्पेस नहीं होना चाहिए, इतना भी कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन होने की जगह ही नहीं है, है ना. रिकॉम्बिनेशन होने की जगह चाहिए बट अगल बगल में ही होगा ना ज्यादातर. तो वी कैन से दैट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो ज्यादा होता है मोर, और ये रेयर केस है. ठीक है, रेयरली होता है. मतलब तुम जो है अगर मूवी देखने जाओगे तो अपने घर के लोगों के साथ ज्यादा जाते होगे, फ्रेंड्स के साथ कम जाते होगे. यहाँ तो ऑपोजिट होता है, यहाँ फ्रेंड्स के साथ जाते हैं बच्चे. बट द थिंग इज कि नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होता है रेयरली होता है एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है क्योंकि अगल बगल में यार, है ना, बनती ज्यादा है अगल बगल में. ठीक है, तो द थिंग इतना ही था होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. ठीक है ना. गो फॉर द टॉपिक लिंकेज. ओके, सो द टॉपिक इज लिंकेज और व्हाट इज लिंकेज. लिंकेज क्या है? लिंकेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो लिंकेज इज डिफाइन एज जेनेटिकली एज अ फेलियर ऑफ टू जीन्स टू असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली. क्या लिखा मैंने? इट इज डिफाइंड एज जेनेटिकली एज द फेलियर ऑफ टू जीन्स टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो लिख लो, बहुत अच्छे से समझाती हूँ. कुछ पॉइंट्स है पहले लिख लो. लिंकेज occurs when
टू जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है. नाउ जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम एसॉर्टेड या एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली दे आर नॉट लिंक्ड. ठीक है. ये सारे ना सारे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो भी तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं आफ्टर 12 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन. ठीक है. लास्ट पॉइंट क्रॉसिंग ओवर ऑकर इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक एट आइडेंटिकल लोकेशन एंड रीजॉइन विथ ईच अदर. ओके. नाउ अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो वेरी नाइस, नहीं लिखा है तो प्लीज पहले इसको लिखिए, फिर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, लिख लिया. चलिए एक्सप्लेन करते हैं लिंकेज. फर्स्ट पॉइंट है ना, अभी छोड़ते हैं, पहले यहां पे आते हैं. लिंकेज ऑकर बिटवीन टू जीन्स. लिंकेज कहां होगा? दो जीन में होगा. वेरी नाइस. आर क्लोज टू ईच अदर. कहां होगा? जब दो जीन बहुत आपस में पास पास रहेंगे. दिस इज ए जीन, दिस इज बी जीन, ये आपस में बहुत पास पास है ऑन द सेम क्रोमोसोम और एक ही क्रोमोसोम में रहेंगे. ठीक है. तो मैंने क्या बोला, लिंकेज कहां होगा भाई? लिंकेज होगा दो जीन के बीच में जो कि आपस में बहुत पास पास होंगे और कहां पे होंगे? सिर्फ एक क्रोमोसोम में होंगे. मतलब पड़ोसी को लेके नहीं जाना है, अपने घर वालों को ही लेके मूवी जाना है. ठीक है. तो दैट इज लिंकेज. मतलब हम अगर साथ साथ रहते हैं तो हम हर जगह साथ साथ जाएंगे. लिंकेज इज द थिंग जो कि जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पास होता है. ठीक है. तो अगर मेरे अंदर कोई जीन है जो कि लिंकेज में मतलब चिपका हुआ है तो मेरे बेबी में भी वो चला जाएगा वो जीन, फिर बेबी के बेबी में भी वो चला जाएगा जीन. मतलब लिंकेज जो है ना, हम साथ साथ है की तरह हमेशा साथ साथ रहता है और हमेशा जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पास होता रहता है, छोड़ता ही नहीं है. ठीक है. सो लिंकेज ऑकर बिटवीन टू जीन दैट आर क्लोज टू ईच अदर ऑन अ सेम क्रोमोसोम. मेन पॉइंट क्या है? सेम क्रोमोसोम में आना चाहिए. मतलब पड़ोसी के लोग के मुंह में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. सो सेम क्रोमोसोम में होना चाहिए. नाउ गो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. इट इज डिफाइंड जेनेटिकली एज अ फेलियर ऑफ टू जीन टू असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली. व्हाट इज दिस? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल. थर्ड लॉ ऑफ मेंडल क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. याद कीजिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था? कि जो जीन्स होंगे इंडिपेंडेंटली इधर उधर आपस में जैसा मर्जी वैसे जा सकता है. बट लिंकेज क्या कहता है? नहीं जाएंगे. क्यों जाएंगे भाई? हम बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे. इंडिपेंडेंटली इधर उधर जाना मेरा काम ही नहीं है, मैं तो चिपक के रहूंगा. तो लिंकेज ने क्या किया? एकदम बैंड बजा दी
थर्ड लॉ ऑफ मेंडल की, मेंडल के थर्ड लॉ की एकदम बैंड बजा दी थी। मतलब लिंकेज वो थर्ड लॉ में बोला गया कि कोई भी जीन कहीं भी जाके आपस में इधर उधर पेयर कर सकता है, बट लिंकेज ने बोला हम क्यों जाएंगे भाई, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। डन, तो दैट इज लिंकेज। सो द थर्ड पॉइंट, जीन्स फार अबाउट ऑन द सेम क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, जो जीन जो है दूर दूर है, मैंने बोला है ये ए बी जो है वो बहुत पास पास है, और जो दूर जीन होंगे उनका क्या, वो भैया इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होंगे, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है लिंकेज करने का। लिंकेज कहां होगा, जब दो जीन आपस में चिपके होंगे। डन, लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स। कितना क्रॉसिंग ओवर होता है उस पर लिंकेज डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है बाय चांस अगर क्रॉसिंग ओवर एकदम जबरदस्त तरीके से हो रहा है तो बाय चांस अलग हो जाए, बट लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, प्रोफेज में मियोसिस के। आपको याद होगा इफ यू अंडरस्टूड द क्लास 10th, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है गो फॉर द वीडियो ऑफ क्लास 10th। अगर आपको याद नहीं है, वीडियो मेरे अपलोडेड है फॉर द चैप्टर सेल्स डिवीजन, सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उस वीडियो में जाके ना मियोसिस देख लीजिए, ठीक है। तो मियोसिस के प्रोफेज फेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक एट आइडेंटिकल लोकेशन। आइडेंटिकल लोकेशन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब टी टी ब्रेक होके खाली टी देता है, स्मॉल टी ब्रेक होके खाली स्मॉल टी देता है, एंड देन रीजॉइन विद ईच अदर। अंडरस्टूड, दिस इज लिंकेज। समझ आ गया। ओके, सो नाउ द लिंकेज इज अगेन टू टाइप्स, ठीक है। जैसे रिकॉम्बिनेशन दो तरीके का था, नाउ आप लोगों ने लिख लिया ना, इसको मिटा ले। ओके, सो लिंकेज इज ऑल्सो टू टाइप्स। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, चलिए उसको भी करते हैं। सो व्हाट आर द टू टाइप ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कौन कौन से तरीके के लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंप्लीट लिंकेज एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच टू लोसाई are close to each other, the allele of the loci are virtually never separated by crossing over. मैंने क्या बोला, complete linkage, हिंदी में बता दे रही हूं, complete linkage एक ऐसा linkage है जिसमें जो chromosomes होते हैं, chromosome बोल रही हूं मैं, जो genes होते हैं ना, that will never separate with each other, चाहे जितना भी crossing over कर लो। डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, समझिए चीजों का। कंप्लीट लिंकेज में मतलब मैंने क्या बोला, जो जीन्स होंगे वो आपस में एकदम चिपके रहेंगे, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पास होते रहेंगे, चाहे जितना भी क्रॉसिंग ओवर कर लो ना ये चिपके ही रहेंगे, दैट इज कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट, ठीक है। तो ये सेपरेट नहीं होंगे, दे हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट, दे हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट, सेपरेट हो सकते हैं। अब सेपरेट होने की भैया एक ही वजह है, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो सेपरेट हो सकते हैं, तो दैट टाइप ऑफ लिंकेज इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। सो समझ आ गया यहां तक समझ आ गया। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंकेज, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंकेज,
लिंकेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंकेज इज लिंकेज इन्वॉल्व टू और मोर जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. क्या बोला मैंने, लिंकेज इन्वॉल्व टू और मोर जीन दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है, क्रीम सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन या फिर सेम क्रोमोसोम तक काफी है. तो क्या बोला मैंने, लिंकेज में दो या दो से ज्यादा जीन रहेंगे जो कि लोकेटेड रहेंगे सेम क्रोमोसोम में, ये मैंने बताया था. ठीक है, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक लिंकेज रिड्यूस वेरिएबिलिटी. अब भाई जीन चिपक के हैं, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होने ही नहीं दे रहे, मतलब होने दे रहे हैं बट क्या हो रहा है, वो जीन सेपरेट ही नहीं हो रहे. अब जब सेपरेट नहीं होगा तो वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा ना यार, चिपके हुए जीन है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पास हो रहे हैं तो वेरिएबिलिटी नहीं आएगा. डन. थर्ड पॉइंट, लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट जीन, लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव अलीन, और जिसको बोलते हैं कपलिंग फेज और सम डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव अलील कॉल्ड रिपल्शन फेज. तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से एक बार समझ लो, लिंकेज में क्या होता है, या फिर एक डोमिनेंट ही अलील रहेगा, या फिर रेसेसिव ही अलील रहेगा, या फिर डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन होगा या फिर रेसेसिव का कॉम्बिनेशन रहेगा. अगर डोमिनेंट का अलग से कॉम्बिनेशन या रेसेसिव का अलग से कॉम्बिनेशन रहा लिंकेज में तो उसको कपलिंग फेज बोलेंगे, अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव अलील रहा तो उसको रिपल्शन फेज बोलेंगे. ठीक है ओके. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लिंकेज यूजुअली इन्वॉल्व दोज जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू Each other. सही है ना, बात सही है ना. लिंकेज यूजली इन्वॉल्व दोज जीन विच इज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, जो पास में रहेंगे वही तो साथ साथ जाएंगे, है ना, जो दूर में रहेंगे वो तो सेपरेट हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर से. डन. ठीक है ओके. सो लिंक स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन, है ना भाई, लिंक्ड जीन. अब क्या है कि मान लो डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस लिंकेज में आपस में जीन्स चिपक के रहते हैं, बट मान लो एकदम हल्का सा डिस्टेंस है, तो हल्का सा डिस्टेंस है तो क्रॉसिंग ओवर होने के भी चांसेस है ना. तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डिपेंड अबाउट द डिस्टेंस ऑफ लिंक जीन.
डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डिस्टेंस कम होगा तो ही लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, हो गया हो गया। सो दैट आर द थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू टूडे। सो दो चीजें हमने सीखी, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया है, अगेन वॉच द वीडियो, दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, समझना जरूरी है क्योंकि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी कम फॉर योर एग्जाम। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।